वेलकम बैक टू 104.8 इश्क एफएम। मेरा नाम है मेहा एंड मैं आज रोहित की जगह शो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर पे उसका बहुत ज्यादा काम था। टिपिकली वो इस टाइम पे बातें करता है विद हवोवी भगवागर जो हमारी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हाय हवोवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? गुड मॉर्निंग मेहा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। इस हफ्ते का हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन एंड मेंटल हेल्थ। हम हर दिन बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉकडाउन के इफ़ेक्ट्स जो बच्चों पे हो रहे हैं। पहले तो डिस्टेंसिंग, मतलब सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का क्या असर हो रहा है बच्चों पर, एस्पेशली क्योंकि बच्चे फिज़िकल और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से अपने फ्रेंड से कट ऑफ है और कोई भी उनका सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अभी काफ़ी बच्चों के लिए, स्पेशली जो टीनेजर ग्रुप में है, अडोलेसेंट ग्रुप में है, वो बच्चे अपना पूरा आइडेंटिटी अपने फ्रेंड से ही पाते हैं, तो उनको इतने समय के लिए फ्रेंड से अलग रखना बहुत ही मुश्किल बात है। एंड इसका असर अगर उनके मन पे पड़ेगा या उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, तो हमारा ये एक ड्यूटी भी बनता है कि हम इस चीज़ को रोकें। तो मैं कुछ ऐसे सजेशंस देना चाहूँगी पेरेंट्स को। पहले तो आपको याद रखना होगा कि कोई भी क्राइसिस के समय पर बच्चे पर असर तभी पड़ता है जब पेरेंट्स बच्चे से अलग हो जाते हैं या उनके आसपास कोई लविंग केयर गिवर नहीं हो। अगर आप प्यार से उन्हें समझाएंगे और उनके पास रहेंगे, उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये जो लॉकडाउन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बच्चों पर लॉन्ग टर्म में दिखेंगे नहीं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के जो यू कैन से इम्पैक्ट्स हैं और व्हाट वी कॉल एज डिस्टेंसिंग ब्लूज, बच्चे इनको दिखाएंगे ही। दे विल शो अ लॉट ऑफ एंगर और वो टेंट्रम्स थ्रो करेंगे नीचे जाने के लिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, एंड प्रॉमिस आपको करेंगे कि वो अपने फ्रेंड से दूर रहेंगे या अलग रहेंगे। एज अ पेरेंट अगेन आपका ड्यूटी होगा आपके बच्चों के साथ फर्म रहना। तो आप जितना फर्मनेस उनको दिखाएंगे वो कंपैशन का सबसे बेस्ट फॉर्म होगा आपके बच्चों के लिए। तो शो देम फर्मनेस, उन्हें समझाइए कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग बच्चों को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली उनके एज ग्रुप में। और इस लॉकडाउन के दौरान उनको प्यार से समझाने के अलावा आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को एक रूटीन में रखना होगा आपको। मेक श्योर कि उनका वेकिंग अप टाइम, स्लीपिंग टाइम, खाने का समय, वो सब सेम रहे एज मच एज बिफोर द लॉकडाउन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपका प्यार और आपका साथ बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट द क्राइसिस इज़। आई थिंक ये बात तो बच्चों के लिए ही नहीं, एडल्ट्स के लिए भी लागू होती है कि बड़े कंपैशन से, बड़े ह्यूमैनिटी से एक दूसरे से बातें करें, इंटरेक्ट करें। ये बहुत ही टफ माहौल है और इसी टफ माहौल में हम जानेंगे कि बच्चे इतना स्क्रीन टाइम जो करते हैं उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। इन कॉन्वर्सेशन विद हवोवी भगवागर, ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ऑन 104.8 इश्क एफएम। मेरा नाम है मेहा। इश्क लगाओ, स्ट्रेस भूल जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका 104.8 इश्क एफएम पे। मेरा नाम है मेहा और आज मैं रोहित की जगह ये शो कर रही हूँ 7 से 11। टिपिकली इस वक्त उसकी बातें होती हैं विद ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हवोवी भगवागर से। सो फार हमने ये जाना है दैट फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा हवोवी हम किस बारे में बात करेंगे? सो लॉकडाउन को लेकर जो नेक्स्ट सवाल पेरेंट्स के मन में आता है इमीडिएटली, वो ये है कि इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम का क्या असर होने वाला है बच्चों पर। पहले पेरेंट्स 1 या 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे अपने बच्चों को देते थे स्क्रीन्स के सामने, और अब लॉकडाउन की वजह से बच्चे सब कुछ ही ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ ही स्क्रीन्स के सामने कर रहे हैं। सो सिमिलरली हमें भी समझना होगा किस तरह से इस इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम से हम अडेप्ट कर सकते हैं। सो पहले तो हम हर स्क्रीन टाइम को सेम या एक ही नज़र से नहीं देख सकते हैं। बच्चे अभी स्क्रीन्स के सामने फॉर ऑनलाइन स्कूलिंग 6 से 8 घंटे बैठते हैं। इसके अलावा बच्चे स्क्रीन्स को अपने सोशल कनेक्शंस के लिए, रिसर्च के लिए, गेम्स खेलने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए स्क्रीन्स को यूज़ कर रहे हैं। सो पेरेंट्स को
यूज़ ऑफ हेल्दी स्क्रीन टाइम एनकरेज करना पड़ेगा। जैसे अगर बच्चा स्क्रीन यूज़ कर रहा है फ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए, या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, या कोई ऑनलाइन क्लास, या कुछ सीखने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए, तो दैट स्क्रीन टाइम इज़ वेरी हेल्दी। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्क्रीन टाइम है बच्चे की लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, या बहुत मूवीज़ देख रहा है, और इज़ प्लेइंग टू मैनी गेम्स, तो इस नेगेटिव स्क्रीन टाइम को आपको कम करना है। सो जो लिमिट्स हम खुद अपने ऊपर रखते हैं फॉर आर स्क्रीन टाइम, वही बच्चों पर भी अप्लाई होता है। नाउ कमिंग टू ऑनलाइन स्कूलिंग, पेरेंट्स इस चिंता में है कि बच्चे 6 या 8 घंटे अगर स्क्रीन्स के सामने बिताएंगे तो क्या इसका बुरा असर होगा। वी डोंट नो एज येट, बिकॉज ये बहुत ही नया अभी सबके लिए है, ऑनलाइन स्कूलिंग एंड स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स। तो अभी बच्चों में हमें फिज़िकल कंप्लेंट्स तो दिख ही रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज्ड हेड एक्स एंड बैक एक्स, आई स्ट्रेन, तो ये तो होना ही है। जिस तरह से हम देखते हैं आईटी प्रोफेशनल्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम, वो हम अभी अपने बच्चों में भी देखेंगे। सो पेरेंट्स कुछ चीज़ें कर सकते हैं इसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं बच्चों का, ताकि वो कुछ एक्सरसाइज अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज स्क्रीन टाइम इंक्रीज्ड है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को मॉनिटर बहुत ही केयरफुली करना होगा, ताकि वो इंटरनेट के जो ईविल्स हैं या डेंजर्स हैं उनसे बचें। तो बच्चों को एडुकेट करना अबाउट इंटरनेट एंड कीपिंग सेफ गार्ड्स अप, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि ऑनलाइन जो टाइम बच्चे बिता रहे हैं उसका असर इतना ना दिखे बच्चों पर। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी, ये सारी बातें लागू होती हैं एडल्ट्स पे भी, क्योंकि हम इतना ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पे बिता देते हैं दैट हम भूल जाते हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस। एनीवे, गाने जो हैं आर ग्रेट फॉर अस। 104.8 इश्क एफएम सुनते रहो, मैं हूँ मेहा, विल बी राइट बैक इन अ बिट। इश्क लगाओ, स्ट्रेस भूल जाओ।